सितम गर ये कुर्बत क्या करे। मैंने लॉयर को आपकी तरफ से केस फाइल करने के लिए कह दिया। ये जो लोग हैं ना, आपको और मुझे कमजोर लावारिस समझते हैं, इसीलिए हम पर अपनी मर्जी के फैसले थोप रहे हैं ताकि वो इस बात से बाज आ जाएं। आपको बता नहीं सकती आपकी हाँ ने कितनी खुशी दी है मुझे। हाँ तो करना ही थी। ये फैसला मैंने सिर्फ उष्टा की वजह से किया है, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। शादी नहीं करना चाहती मैं तो, लेकिन ये याद रखना कि एक केस तुम मुझ पे करोगी और एक मैं तुम पे करूंगा, जिसमें मैं ये साबित करूंगा कि उष्णा तुम्हारी बेटी नहीं है। सितम गर ये कुर्बत क्या करे। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मेरे बाबा की इद्दत पूरी करते ही मेरी माँ किसी गैर मर्द से शादी के लिए राजी हो गई है। उष्णा एक काम करें ना, थोड़ी सी जहर लाकर खिला दे मुझे, इस वक्त इसी में मेरी भलाई है। आ जाएं शेर, सुबह से आप दोनों का आज मैं इंतजार कर रही थी और आप दोनों मामूल से ज्यादा देर से आए। कोई इंपॉर्टेंट बात थी तो कॉल कर देती। फोन पे करने वाली बात नहीं थी ना, इसीलिए इतना इंतजार किया। क्या बात है बताएं ना। रशीदा से खास कहा था कि आप दोनों के लिए मिठाई मंगवा के रखे, मैं आपका मुंह मीठा करवाना चाहती थी। दो बेटा सर को दो। किस चीज की मिठाई है भाई, किस चीज के लिए? पहले लीजिए फिर मैं आपको बता। अरे तो मुझे पता तो चले, क्या क्या हो गया। थैंक यू। अच्छा शुगर तो हो जाएगी मुझे, इसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। थोड़ी सी मिठाई से कुछ भी नहीं होगा। इसके बावजूद मुंह मीठा कर लेते हैं। आप भी लो बेटे। गुड। चले आप कह रही हैं तो खा लेते मीठा। बताइए क्या कुछ खुशखबरी है। मिठाई खा रही है, खुशखबरी भी सुना दे। ज़ैनब ने हाँ कर दी। कौन ज़ैनब और किस चीज के लिए? हाँ वहाब की होने वाली बीवी। क्या बात है, मिठाई क्यों छोड़ दी? इतनी महंगी मिठाई नहीं खा सकूंगा मैं। इन्हें खिलाएं जिन्हें इस उम्र में शादी करने का शौक चढ़ा हुआ। बात इनके शौक की नहीं, मेरी ख्वाहिश की है, और अगर आपको हमारी खुशी में खुश नहीं होना तो भले ना हो। मम्मी आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हैं? वैसे कौन से बाबा जी का तावीज़ घोल के पिलाया आपने मेरी माँ को? शहरोज देखो मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। पहले भी तुमने बदतमीजी की, मैं खामोश रहा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जब मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं, वो बात बर्दाश्त की नहीं है, ये इस घर की जरूरत है शहरोज। और अगर आपके बाबा मेरे कहने से आपकी हर बात को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप भी जरा तमीज का दामन थाम के रखें। मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें। तो आपके ख्याल में नॉर्मल नहीं हूँ? नहीं। तो सब कुछ जो आप कर रही हैं ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? मैं जो भी कर रही हूँ इस घर के भले के लिए कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ज़ैनब की हाँ का इंतजार था, मैंने निकाह करने में कोई देर नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू। ठीक है सही है, अगर आपको ऐसे लगता है तो
मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अब वालेकुम अस्सलाम परवीन, तुम तो ईद का चांद हो गई हो, कोई अता पता ही नहीं है तुम्हारा। तुमने कोई जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बता दूंगी, चलो अल्लाह हाफिज। भाभी आपकी खुशी से तो लग रहा है कि लड़के वालों ने हाँ कर दिए। हाँ तो कर दिए, लेकिन ये लड़के वाले बोलना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अब वहाब साहब लड़के तो नहीं है ना। भाई इस खुशी के मौके पे तो मिठाई होनी चाहिए। ज़ैनब, मिठाई लेकर आओ। अच्छा, परवीन बता रही थी उन लोगों को आपकी बहन दिलो जान से पसंद आ गई, बस निकाह की तारीख मांग रहे हैं। भाई मुबारक हो ज़ैनब, तुम्हारा रिश्ता हो गया वहाब साहब से, बात पक्की हो गई। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, सबसे पहले तो ज़ैनब को मुंह मीठा करना चाहिए, असल खुशी तो तुम्हारी है। भाभी असल मुंह मीठा करने की जरूरत तो आप लोगों को, आप सबका प्लान कामयाब हो गया है ना हमें इस घर से निकालने का। वैसे भी अब तो एक एक लम्हा एक एक सांस अजियत से कम नहीं है इस घर में। चलो अच्छा है, तुमने और तुम्हारी बेटी ने इस हकीकत को कबूल तो कर लिया, अब निकाह की तारीख रखनी है बस। तारीख जो भी रखी है नजदीक ही रखिएगा। नजदीक की ही रखेंगे। ओ भाई इनके तो तेवर ही नहीं मिल रहे। लीजिए भाई आप लोग ही खा लीजिए मिठाई। मैं तो खाऊंगी भाई, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, जान छोटे मेरी। देख लिया तुमने सब अपनी आंखों से, सुन लिया अपने कानों से, फिर भी तुम्हें मां से गिला है। और यासु, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैंने ये फैसला सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है? मेरी बेहतरी इसमें नहीं कि हम यहां से चुपचाप चले जाएं, कम से कम एक एक इज्जत की जिंदगी तो गुजारेंगे ना। अकेली होती तो शायद कर लेती, तुम्हारे होते हुए मैं ये हमाकत नहीं कर सकती। हमाकत? और आपका ये फैसला ये एक हमाकत नहीं है? अजनबी लोगों को फरिश्ता समझकर आप खुद को और मुझे महफूज समझ रही हैं। अगर यही फरिश्ते अपनों से बदतर निकले तो फिर क्या कर लेंगी आप? ऐसा नहीं होगा, लोगों को पहचानने में मैंने कभी गलती नहीं की है, अपनों को बहुत पहले पहचान गई थी मैं, इसीलिए हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी। ये तो वक्त और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि आज उनके जुल्म सहने पड़ रहे हैं, हम दोनों को उनके टुकड़ों पर जीना पड़ रहा है। मैंने यहाँ आने की भी मुखालफत की थी और मैं आज भी आपको समझा रही हूँ, खुदा के वास्ते मेरा और अपना तमाशा मत बनवाएं, वरना ये फैसला आपके पहले वाले फैसले से भी ज्यादा बुरा होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या इतना काफी नहीं है क्या आपके इस फैसले ने माँ और बेटी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया?
मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने इतना गैर मुतवक्का फैसला किया। दुख तो इस बात का है कि आप मेरे बाबा की जगह किसी और को सोच भी कैसे सकती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। वो कल भी मेरे साथ थे और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस तुम ये समझ लो कि ये फैसला जो मैंने किया है ये भी उन्हीं के कहने पर किया है। मैं अकेली होती तो मैं हर जुर्म सह लेती, जिंदगी के बाकी दिन गुजार देती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम मेरे साथ हो। मैं मानती हूँ ये लोग अजनबी हैं, लेकिन मुझे ये फैसला करना पड़ा है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे पास अपने बाबा की अमानत हो और इसमें कोई खयानत नहीं हो सकती। अगर कुछ भी हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो मैं खुद को तो माफ नहीं कर सकूंगी, लेकिन ये सोचो तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी आखिर में। तुम समझती हो कि मैं जज्बाती होकर सड़कों पर निकल जाऊंगी? इस बेवकूफी की उम्मीद मुझसे मत रखना, कभी भी मत रखना। दुनिया मुझे तोड़ने फोड़ने के लिए काफी है, लेकिन खुदा के लिए तुम तो मुझे समझो ना। और ये वहाब साहब, मामा प्लीज, मैं आपकी जुबान से उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये तो कभी सोचिएगा भी मत कि मैं आपके साथ कभी भी अपने बाबा की जगह किसी और को बर्दाश्त करूंगी, कभी नहीं। कुछ भी हो, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, मैं खुद को दांव पर लगा रही हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। जैनब ने हाँ कर दी है, वहाब की होने वाली बीवी। मैं जो भी कर रही हूँ इस घर के भले के लिए कर रही हूँ। मुझे सिर्फ जैनब की हाँ का इंतजार था। मैंने निकाह करने में कोई देर नहीं करनी है। I'm telling you. रुको, अम्मी का फोन है। जी दिखा। ये अम्मी को फोन वापस कर देना, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने मांगा था। जी जाओ। हेलो, सामने को
सलामती भेजने का कोई खास शौक नहीं रखता मैं आपके, मिस ज़ैनब या व्हाटएवर। आप हैं कौन और किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? आपके वालिदैन ने आपको तमीज नहीं सिखाई? तमीज सिखाई है इसीलिए इतने तहम्मुल से फोन पे बात कर रहा हूँ आपसे, वरना आपके घर आके अच्छा खासा तमाशा भी लगा सकता था। बात चंद लोगों के दरमियान शुरू हुई है, हम दोनों के दरमियान ही खत्म हो जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। आप तमाशा क्रिएट करने वाले हैं कौन? पहले अपना तारुफ तो करवाएं ताकि इन सवालों का मैं भी जवाब दे सकूं। और आप हैं कौन जो ये सब बातें कर रहे हैं? आपके लिए इतना जानना काफी है कि मैं उसी शख्स का बेटा बोल रहा हूँ जिसके साथ आप निकाह प्लान कर रही हैं। वैसे आवाज से तो काफी यंग लग रही हैं आप, कोई और शख्स नहीं मिला आपको जो आपके नजरें इंतखाब वहाब साहब पे आके ठहर गए? देखें मेरी माँ बहुत सादा, उन्हें इस किस्म की चलाकियां नहीं आती। पैसों के लिए कह रही है ना अभी सब कुछ? बताएं कितने पैसे चाहिए आपको, कब चाहिए और कहाँ चाहिए, मैं खुद आके आपको दे देता हूँ। आवाज से तो आप भी काफी माकूल मालूम होते हैं, लेकिन इतनी भी अकल नहीं कि कॉल करने से पहले किसी का नाम पता कंफर्म कर लेना चाहिए। मिल चुकी हूँ मैं आपके वालिदैन से। हैरत होती है इतने सुलझे हुए लोगों के घर में आप जैसा शैतान कैसे पैदा हो गया। आप जैसी औलाद ही होती है जो वालिदैन के फैसलों को रुपए पैसे से खरीदने के लिए निकल पड़ती है। मुझे अपनी मामा के फैसले से लाख एतराज थे कि उन्होंने आप जैसे लोगों को हाँ कर दी, लेकिन मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि अपनी मामा के फैसलों को रोडों पर जाकर बेचती फिरूं। और हो सके तो मेरा एक पैगाम भी अपने वालिदैन तक पहुंचा दें, उन्हें जाकर बता दें कि आपकी तरह ज़ैनब की बेटी को भी ये रिश्ता कबूल नहीं। बेटी? शायद उन्होंने आपकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी ना, तभी उनका गुस्सा निकालने के लिए आपने यहाँ फोन मिला लिया। मेरी बात सुने आप। मैंने सोचा था नईमा आंटी का बेटा कुछ समझदार इंसान होगा, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हमेशा कोयले के कान में से हीरा ही नहीं निकलता, कभी कभी कालक भी हाथ आ जाती है। दोबारा यहाँ कॉल करके मेरी मामा को कुछ उल्टा सीधा सुनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि मैं आपके घर आकर तमाशा क्रिएट करने के लिए आपको कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करूँगी, डायरेक्ट आकर तमाशा क्रिएट करूँगी। सो बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। मेरी बात सुन। हेलो बेटी, बेटी कहां से निकल आई? इतनी बदतमीज बेटी। बेटा इतना बदतमीज है। पता नहीं ये पैसे वालों को घमंड किस बात का होता है जो हर चीज पैसों से खरीदने लगते हैं। आपके सौतेले बेटे की कॉल आई थी, गलती से कॉल आपकी बजाय मैंने पिक कर ली। सौतेला बेटा? जी नईमा आंटी का बेटा, अब वो शादी के बाद आपका सौतेला बेटा ही कहलाएगा ना। बड़ी इज्जत से खराज तहसीन पेश कर रहा था आपको, कह रहा था कि पैसों के लालच में तुम लोग जो सामान बांध कर यहाँ आने की तैयारी कर रहे हो उसके लिए निकाह की जरूरत नहीं है, वो बगैर निकाह के ही मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। अब देखा जाए तो आप भी तो ये फैसला इसीलिए ले रही हैं ना, ताकि पैसों से हमारी जरूरियात पूरी हो सकें, हम इन प्रॉब्लम्स से निकल सकें। तो मुझे क्या लगता है मामा कि हमें ये डील डन कर देनी चाहिए? क्यों? सोच समझ के बात करो। किससे बात कर रही हो तुम? अपनी माँ से बात कर रही हो तुम? तुम्हें लाख इस फैसले से इख्तलाफ सही, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है तुम माँ के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल करो इस तरह। I'm sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती,
पहले ही मैं इतनी उलझन में हूँ, ऊपर से ये कॉल। मामा, अगर नईमा आंटी का कोई यंग बेटा है तो उसका राजी होना भी तो इस शादी के लिए ज़रूरी है ना, वरना हम उसी के घर में उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कैसे रहेंगे? हमारी ज़िंदगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें फैसले करने के लिए औलाद की कड़वी बातों को अपने हलक से उतारना होगा। ज़माना तो बाद की बात है, मैं उस अनजान बच्चे को क्या कहूँ, उसे क्या खबर हमारे मसाइल की, हमारी ज़िंदगी की। अफसोस तो अपनी ही बेटी के कड़वे जुमलों से होता है, जो माँ को समझने के बजाय तंस के तीर चला रही है। तुम नहीं समझ सकती, इस फैसले की वजह से रोज रेजा रेजा होती हूँ, फिर खुद को जोड़कर हिम्मत बांधती हूँ। तुम समझ नहीं सकती कड़े फैसलों की अजियत को, और उन्हें समझने की और सहने की ना तुम्हारी उम्र है और ना मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी इस अजियत से गुजरो। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि तुम्हें मुश्किल फैसलों की कड़ी अजियत से कभी ना गुजरना पड़े। मैडम, मैं जब आपका मोबाइल लेने गई तो शहरोज साहब ने कुछ वक्त के लिए मुझसे आपका मोबाइल ले लिया। मुझे शक हुआ उन्होंने आपके मोबाइल से जैनबाजी का नंबर ले लिया है। क्या? हाँ, मैंने कॉल ज़रूर की थी जैनब साहिबा को, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रही थी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। कहाँ रह गई थी रशीदा, कब से फोन लाने का कहा हुआ है तुम्हें? फोन ही ला रही थी आपका। क्या हुआ, भाग के आई हो क्या? सांस क्यों चढ़ी हुई है इतनी? मैडम, मैं आपका फोन लेने गई थी लेकिन बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि बस मुझे सिर्फ डर था कहीं शहरोज साहब ना देख लें, वरना शामत आ जानी थी मेरी, इसीलिए भागती हुई आई हूँ। क्यों, शहरोज साहब ने क्या कहना था तुम्हें? मैडम, जब अपने खिलाफ बातें करते सुनेंगे मुझे तो क्लास तो लेंगे ना वो मेरी। क्या किया है शहरोज साहब ने? मैडम, मैं जब आपका मोबाइल लेने गई तो शहरोज साहब ने कुछ वक्त के लिए मुझसे आपका मोबाइल ले लिया और पता नहीं क्या करने लगे। मुझे शक हुआ उन्होंने आपके मोबाइल से जैनबाजी का नंबर ले लिया है। क्या? जी मैडम, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं कहती। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना है, उन्होंने जैनबाजी को बहुत बातें सुनाई हैं, बल्कि यहाँ तक कहा है कि शादी के लिए क्यों राजी हो गई हो, और भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैंने पूरी बात नहीं सुनी, बस जल्दी से भागती हुई आ गई आपको बताने के लिए। उफ, शहरोज, इतनी मुश्किल से तो जैनब इस रिश्ते के लिए मानी है, वो तो पहले ही इज्जत की मारी हुई दुखी औरत है, क्या करता है शहरोज? जाओ जाके बुलाओ जरा शहरोज साहब को। मैडम प्लीज, जरा तहम्मुल से बात कीजिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ पहले आप जैनबाजी से बात कर लें। देखें, अगर शहरोज साहब को जरा सा भी शक हुआ ना मुझ पर तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे मुझे नौकरी से निकालने में, और आप तो जानती हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, ये नौकरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ, मुझे सोचने दो। बस ख्याल रखिएगा मेरा नाम ना है। हाँ, कुछ नहीं होगा, जाओ। क्या करते हो तुम शहरोज? मैं उस औरत को इज्जत दिलाने के वादे कर रही हूँ और तुम उसकी बेइज्जती करने के लिए चले। मेरे अल्लाह, थैंक यू।
नहीं माँ, आंटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं इस वक्त फोन करने के लिए माफ़ी चाह रही हूँ आपसे ज़ैनब, लेकिन मुझे पता चला था कि शहरोज़ ने आपके यहाँ कॉल किया है और कुछ मिसबिहेव किया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझसे नहीं, उष्णा से बात हुई थी उसकी। ये तो और भी बुरा हुआ, क्या बच्चों में कोई तल्ख कलामी हुई है? जी शायद। मैं बहुत शर्मसार हूँ ज़ैनब आपसे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शहरोज़ ऐसा कर गुजरेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे उसके रवैये की माफ़ी मांगती हूँ ज़ैनब, बल्कि मेरी तरफ से उष्णा को भी कहिएगा कि उसे माफ़ कर दे प्लीज़। बात ये कि शहरोज़ मेरे इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसीलिए ऐसा करके आप उसकी नादानी पे अपना फैसला मत बदलिएगा प्लीज़। बच्चे तो जज्बाती होते हैं, कहा सुना माफ़ कर दीजिएगा। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? ये जज्बाती बच्चे तो हमारा इम्तिहान है। वैसे आपकी सूरत हाल का भी मुझे अंदाज़ा हो गया है। जी हाँ, इन बच्चों को हमारे सब फैसलों पे इख्तलाफ ही होता है ज़्यादातर, वक्त के साथ साथ आखिर उन्हें समझ आ ही जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। असल में हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए थोड़ा ज़िद्दी है, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। जी मुझे भी तजर्बा है अकलौती और ज़िद्दी औलाद का, इसलिए आपकी मुश्किल समझ सकती हूँ। लेकिन देख लीजिए, अगर आपके बेटे को कोई एतराज़ है तो फिर नहीं नहीं, उसे आपसे कोई बैर नहीं है, बस तो उसे लग रहा है कि मैं शायद किसी के दबाव में आके ये फैसला कर रही हूँ। आप समझ रही हैं ना मेरी बात, आप भी तो उष्णा के साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही हैं। बस अपना बच्चा समझ के दरगुजर कर दीजिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैं उसे समझा लूँगी, संभाल लूँगी। जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। नाइमा जी थी, कह रही थी अपने बेटे के रवैये पे बहुत शर्मिंदा है, तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती थी। कह रही थी बेटा अकलौता है, ज़िद्दी है। मैंने भी कह दिया मुझे भी तजर्बा है अकलौती और ज़िद्दी औलाद का। खुद को दिए सजा फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई, टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई, गुम है राहों में कांटों की छांव में, सितमगर जब मुझसे सब कुछ छीन लिया है तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। बेवफाई तुमने की, झूठ तुमने बोला, तो सजा भी तुम ही भुगतोगे ना। कौन सी बेवफाई? तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती, बाहर तो तुम्हें कोई मुंह लगाता नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी ऐसा से कमतरी दूर कर रहा था। ओ, कौन तुम? हीरो समझते अपने आप को? एक महीने में तुमसे बेहतर लड़का नहीं ढूंढा ना, तुम मेरा नाम भी सगत नहीं है, फोन दो मेरा बाप। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम? दोस्त का फोन वापस फौरन दो। तो सैफा अपनी हद में रहना हो सैफा, वरना मेरे भाई और बाबा को तुम्हारा मुंह तोड़ने में देर नहीं लगेगी। और तुम कितनी भी हदें पार कर लो, तुम्हें तो कोई मुंह लगाने वाला है नहीं। अच्छा बस चुप करो, चलो अंदर।
छोड़े मुझे। क्यों इतना बोलते हो? चलो अंदर चलो। इतनी देर में सलाद लेकर आई हो तुम? भाभी बेगम मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाभी बेगम, आपने जरा शुजात को समझाइए प्लीज। क्या समझाना है शुजात को? शुजात ना हुज़ैफ़ा पे बहुत सख्ती कर रहे हैं, आपको तो पता ही है अगर बाप इतनी सख्ती करे तो औलाद फिर उल्टे सीधे कदम उठा लेती है, और मुझे बहुत डर लगता है। भाभी आप तो बड़ी हैं ना, आपकी बात सुनते हैं शुजात, आप समझाएंगी ना तो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है मैं बात करूँगी, लेकिन फिलहाल तो जैनब को इस घर से रुखसत करने की तैयारी है। हाँ भाभी जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए प्लीज, ऐसा ना हो कि आपकी औलाद फिर कोई नई जिद पकड़ के बैठ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई मौका नहीं देने वाली मैं इन दोनों माँ बेटियों को कि फिर कोई खेल खेले। भाभी आपने नोटिस किया है अभी तो दौलत आई नहीं है तो जैनब का तकब्बुर तो छतें फाड़ के बाहर निकल गया है। नौ दौलतियों के यही अंदाज होते हैं, उड़ रही है ना, उड़ने दो ऊंचा। कल को जब उस घर में जाएंगी तो सौतन की चाकरी ही करेंगी ना, अपनी हैसियत पहचान के मुंह के बल नीचे जमीन पे गिरेंगी। कितना ही बड़ा घराना क्यों ना हो, जाके तो उसने वहां चाकरी ही करनी है ना। ये अमीर घरानों के लोगों की ना सोच भी अमीराना होती है। अब तुम खुद देख लो क्या कमी है उन लोगों की, क्या वो नौकर नहीं रख सकते? खुद रख सकते हैं। लेकिन देखो अपाहज बेगम अपने शोहर के लिए सौतन ले आई, नौकर का क्या है, आज है कल नहीं, तनख्वाह का झंझट अलग। अब सौतन और उसकी बेटी की सूरत में दो दो मुलाजमाएं मिल गई हैं, तनख्वाह से भी जान छूटी। बात तो सही कह रही हैं भाभी आप। मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ। तुम खाना नहीं खा रही हो, खाओ ना। नहीं भाभी बाद में खाऊंगी, आप खाना खाए मैं आती हूँ। क्या दिमाग पाया है भाभी ने, लॉजिक तो अच्छी लाई है, कहीं कनीजें शहजादियां ना बन जाए। नहीं मां इतनी बड़ी बात हो गई और आप अभी तक बजिद हैं कि निकाह जल्दी कर लो, आप प्लीज फिर से सोचें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है वहाब, हो गई है मेरी जैनब से बात और उन्होंने बहुत सेंसिबली जवाब दिया मुझे सारी बात का, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे उनके अपने बच्चे से कोई गलती हो जाए। आप सोच लें, मैं नहीं चाहता कि नए रिश्ते जोड़ते जोड़ते मैं अपने पुराने रिश्तों को टूटता हुआ देखूं। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, ऑफिस जाए आपको देर हो रही है, मुझे शहरोज से अकेले में कुछ बातें करनी है। देख लें आप, नहीं बाबू मुझे आसार कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा मैं चलता हूँ। सोच लो, मेरा ख्याल है कि इस मामले को खत्म ही कर दो, नहीं मैं घर में मज़ीद टेंशन नहीं चाहता। अभी मैं जिंदा हूँ वहाब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर जाएं। शहरोज यहाँ आए बैठे, अब
अपाहज तो मैं आज हुई हूँ ना, कल तक तो मैं चल फिर सकती थी, इस घर का सारा निज़ाम चलाती थी, आपके नाज नखरे उठाती थी, आपकी तरबियत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी मैंने। फिर क्यों आज आप सारी दुनिया के सामने मुझे इस तरह रुसवा करने पे तुले हुए हैं कि मुझे लगता है कि इस अपाहज जिंदगी से बहुत बेहतर है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आपकी तरबियत पे सवाल उठे? ऐसा क्या किया मैंने? क्या किया है आपने? मेरी इजाजत के बगैर मेरे फोन में से जैनब का नंबर लिया है आपने, मुझसे बगैर पूछे उन्हें कॉल की है आपने। तो खबर मिल गई आपको? अब इस बात का खोज लगाने के बजाय कि किसने खबर पहुंचाई, क्यों पहुंचाई, अगर आप ये सोचें कि आप ये क्या करने जा रहे थे। हाँ, मैंने कॉल ज़रूर की थी जैनब साहिबा को, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी, उनकी बदतमीज़ बेटी से बात हुई थी। उनकी बेटी बदतमीज़ है, और आप जो उन्हें कॉल करके उनकी बेइज्जती करने जा रहे थे वो? आप मेरी बात नहीं मान रही थी तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, तो मुझे ये बेहतर लगा कि कुछ देर दिला के मामले को ख़त्म कर दें। किस कदर घटिया बात सोची आपने। इसमें घटिया बात क्या है अम्मी, क्या घटिया बात? आप किसी की हेल्प करना चाह रही थी ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि शादी करके उसको घर ही लेकर आए, कुछ पैसे देके भी तो मदद की जा सकती है ना। और वो आपकी मदद ले लेती, ये कैसे सोच लिया आपने? बहुत खुददार औरत है वो, मुझे नहीं पता कि उन्हें पैसे की कितनी ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस घर को उनकी ज़रूरत है। इस घर को किसी तनख्वाहदार खादमा की नहीं, एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो इसे अपना घर समझ के इसकी खिदमत करे, इस घर के लोगों को मोहब्बत है जैसे मैं देती हूँ। किस दुनिया में रहती हैं अम्मी आप? क्यों खुद को धोखा दे रही हो और हम सब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रही हैं, बताएं? आजकल के दौर में आपको ऐसी कौन सी खातून मिलेगी जो दूसरे के घर को अपना घर समझ के वहाँ पे मोहब्बत भी दे और खिदमत भी करे? ज़ैनब करेंगी ये सब। जिस औरत में वफा हो वो ये सब कर सकती है। Trust your mother's judgment on that. मुझे नहीं लगता ये आपकी गलत फहमी है, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको बिना बचताए कोई सबक मिल जाए। मेरी फिक्र करना छोड़ें आप, इस जुमे को मैंने निकाह का दिन मुकर्रर किया है, आपको वहां हमारे साथ चलना है, जिसमें एक शो दे जूते। मैं ऐसे किसी भी तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकता, ऑफिस चलता हूँ, काफी देर हो गई है। माँ की बात से इनकार करके जाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि सारी उम्र माँ की शक्ल देखने को तरस जाएंगे आप। मैं भी आपकी माँ हूँ, आप ही की तरह जबान की पक्की। अरे सुफियान आओ आओ, क्या हाल है? मेरा हाल छोड़ें, आप ये बताएं जो मैंने सुना और मामा ने जो मुझे बताया क्या वो सही है? अब मैं क्या जानूं कि तुमने क्या सुना है और भाभी ने तुम तक क्या पहुंचाया है? आप वाकई जुम्मे को निकाह कर रही हैं?